बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने जितने भी ट्रायल्स होते हैं अंडर 13 के, अंडर 16 के, अंडर 19 के, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, जो भी ट्रायल्स लिए जाते हैं पीसीबी की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से, उस पर मैंने तकरीबन 130 वीडियोस बनाई हुई थी, लेकिन चैनल मोनिटाइज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने वो सारी वीडियोस को डिलीट करवा दिया, जिसकी वजह से अब मुझे सारी वीडियोस दोबारा बनानी पड़ रही हैं। बहुत सारे नए दोस्त भी आ चुके हैं और बहुत सारे पुराने दोस्त भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और ये वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 19 ट्रायल्स के लिए एज लिमिट्स की, यानी कि अंडर 19 के अगर आप ट्रायल्स देना चाहते हैं क्रिकेट के, पीसीबी के, तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आज की वीडियो में डिटेल्स के साथ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अंडर 19 के ट्रायल्स के बारे में कि अंडर 19 पीसीबी क्रिकेट के ट्रायल्स देने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की। अकॉर्डिंग टू पीसीबी, एज जो है मिनिमम आपकी 16 प्लस होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 16 साल है तब आप अहल हैं कि आप अंडर 19 के ट्रायल्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 16 से कम है, 15 साल है, 14 साल है, फिर आप अंडर 16 के ट्रायल्स देंगे, अंडर 19 के ट्रायल्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट्स अकॉर्डिंग टू पीसीबी ये हैं कि आपकी एज 16 साल होनी चाहिए या 16 प्लस 17 होनी चाहिए, तब आप अंडर 19 के ट्रायल्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पीसीबी मैक्सिमम एज क्या रखी है पीसीबी ने, वो है 19 साल, यानी कि अगर आपकी एज मैक्सिमम 19 साल है हो जाती है तब आपको ओवरेज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर 19 साल होने में आपके 6 मंथ बाकी हैं तब आप ये ट्रायल्स दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त तकरीबन 30-50% चांसेस हैं कि आपको ओवरएज किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अगर आपका एक साल रहता है 19 साल होने में, तब आपके 70% चांसेस हैं कि आप अंडर 19 खेल सकते हैं, आपको ओवरएज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज 17 साल है, 16 साल है, फिर आपके 110% चांसेस हैं कि आपको ओवरएज नहीं किया जाएगा। अगर आपकी एज 16 साल है, 16 साल में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप 3 साल तक लगातार अंडर 19 खेल सकते हैं। लेकिन अगर 17 है फिर 2 साल खेल सकते हैं, 18 है फिर 1 साल खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 19 साल हो चुकी है फिर आपको ओवरएज कर दिया जाएगा, इससे कम आपकी एज होनी चाहिए। अगर 19 प्लस आप हो चुके हैं फिर आपको सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स देने होंगे। उस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स कब होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।